भोपाल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया की नई बिल्डिंग में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ पहली तेज बारिश में इमरजेंसी केबिन की फॉल सीलिंग का एक बड़ा टुकड़ा भरभरा कर गिर गया। हादसे के दौरान वहाँ मौजूद मरीज और डॉक्टर बाल बाल बच गए। भोपाल स्थित हमीदिया अस्पताल की नई बिल्डिंग के उद्घाटन को अभी 10 महीने भी नहीं हुए, लेकिन निर्माण कार्य में हुई भ्रष्टाचार की परतें खुलना शुरू हो गई हैं। 727 करोड़ की लागत से निर्मित यह बिल्डिंग पहली बारिश भी नहीं झेल सकी, जिसके बाद अब इसके निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठना लाजमी है। हादसा बीती देर रात इमरजेंसी वार्ड में हुआ। इस दौरान डॉक्टर सौमित्र बाथम मरीजों को देख रहे थे, तभी खिड़की के पास की फॉल सीलिंग भर भरा कर गिर गई। डॉक्टर और मरीज तुरंत केबिन से बाहर आ गए। गनीमत रही कि इस दौरान किसी को कोई चोट नहीं लगी। बता दें, हमीदिया अस्पताल के जिस नई बिल्डिंग की फॉल सीलिंग गिरी है, इस भवन का उद्घाटन 2023 में तत्कालीन CM शिवराज सिंह चौहान और तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने किया था। तब सारंग ने कहा था कि हमारा सपना है कि मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट को वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट वाला बनाया जा सके, जैसा प्राइवेट अस्पताल होते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।